हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और नहीं भी है तो वही हमेशा की तरह हो जाइए जल्दी से। और आज का ब्लॉग वैसे तो नॉर्मली यूट्यूबर के लिए है, या अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं खासकर मोटो ब्लॉगिंग, तो उन लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ लोगों का, कुछ भाइयों का, कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि आप अपने कैमरे के बारे में बताइए, अपने गोप्रो के बारे में बताइए। तो इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और पर्पज़ नहीं था आज मैं ब्लॉग शूट करने वाला नहीं था, थोड़ा बिज़ी था अपने लाइफ में, कुछ ज़रूरी काम थे। बट दरभंगा का भी एक मुझे काम था, तो मैं यहाँ आया, मैं आ चुका हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे दिल्ली मोड़, और यहाँ से पकड़ूँगा अब NH। यार आगे जहाँ मैं, ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये बस स्टैंड है दरभंगा का। पहले ये अंदर सिटी के अंदर था, बट अब इससे बाहर लाया गया है। जाम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लग जाता था सिटी के अंदर, तो इसी वजह से जो है इसे बाहर लाया गया। और बाहर ला के भी देखिए वही हाल है, जाम अभी भी लग ही रहा है। तो इस जाम से निकलते हैं, फिर बात करते हैं। निकल यार, निकल निकल निकल। और शाम भी हो रही है, अभी टाइम हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5:46। थोड़ा जल्दी कर यार। कह रहे यार ये तो WB नंबर है, यानी ये बस कोलकाता से आई है। और कोलकाता से मुझे याद आया, 3 तारीख को यानी दुर्गा पूजा के 8वीं को हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। तो कोलकाता नंबर में देखा तो मुझे याद आया, मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं, 3 तारीख को मैं निकल रहा हूं कोलकाता, और बाय ट्रेन जर्नी होगी। टिकट ऑलरेडी हम लोगों ने काट ली है। नहीं, मैंने व्लॉगिंग को चूज़ किया व्लॉग करने का, बट मेन फोकस मैंने दिया मोटो व्लॉगिंग पे, क्योंकि मुझे ये आसान लगा। बट कैमरा लगाओ हेलमेट में और अंदर बोलते रहो, कोई देखेगा नहीं, गाड़ी चल रही है। लेकिन जितना बोलने में ये आसान है, उतना आसान है नहीं। जब सोचा करने का तब तो बड़ा आसान लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हालत ख़राब होती नज़र आई। क्योंकि जब स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में मैंने पहले मोटो व्लॉगिंग के सेटअप वगैरह को खोजना शुरू किया कि यार मोटो व्लॉगिंग में लगेगा क्या क्या। तो मुझे लगा कि एक हेलमेट में बस माउंट लेना है, जिसमें मोबाइल को लगाना है वो लेना है। मोबाइल मेरे पास है फिलहाल भी 15 Pro, और आईफोन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो कमेंट किया, जो वोट दिया आप लोगों ने कि अभी नहीं लेना चाहिए, कुछ दिन बाद लेना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों के सजेशन की वजह से मैंने अपना माइंड को डाइवर्ट किया है कि आईफोन अभी फ़िलहाल मैं नहीं लूँगा, कुछ दिन बाद लूँगा। तो बात कर रहा था मैं मोबाइल का, तो भी 15 Pro मेरे पास मोबाइल था, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लगभग 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, बट बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल है उसका। कैमरा की क्वालिटी ख़राब नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। लेकिन जब मैं माउंट ले लिया हेलमेट के लिए, तब क्या प्रॉब्लम हुआ कि यार मोबाइल लगा के मैं हेलमेट पर निकलूँगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। एकदम मतलब चिप क्वालिटी टाइप का लगा, वैसे तो कर सकते हैं और काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर कर भी रहे हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, एक स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब हम बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि आप नॉर्मल जो पहले के ज़माना में कैमरा आता था VGA कैमरा, जिसकी क्वालिटी सबसे बेकार आती थी, आप उसमें भी वीडियो बना के अगर डालिएगा एक बड़े यूट्यूबर होने के बाद, जब आपके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर भी लोग आपके वीडियो को देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो डायलॉग मैंने सुना था, शायद कौन से पिक्चर का था, वेलकम में सुना था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी शुरू में आप अगर लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं, लोग आपके से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, प्रोफेशनल वे में शूट करना चाहिए। फिर मैंने GoPro के बारे में सोचा। GoPro के बारे में इसलिए सोचा, जितने भी प्रोफेशनल मतलब अच्छे मोटो ब्लॉगर हैं वो सारे GoPro यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब कोई 7 यूज़ कर रहा है, कोई 8 यूज़ कर रहा है, कोई 9, तो कोई 10, अब तो 11 भी आ गया। वैसे मेरा GoPro Hero 9 है, और मोबाइल का मेरा 48 मेगापिक्सल है, वहीं मेरे GoPro का 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 12 है या 14 है एक्चुअली ध्यान में नहीं है, बट 12 के आसपास है। हीरो 8 का 12 है, तो मेरा 9 है, 12 ही होगा, 12 है या 20 है शायद, कंफर्म नहीं है, मैं देख के आप लोगों को थंबनेल में दे दूंगा। तो मैंने GoPro लेने के बारे में सोचा। अब GoPro लेने के बारे में मैंने क्यों सोचा, क्योंकि सारे लोगों सजेस्ट करते थे मोटो ब्लॉगिंग के लिए GoPro। अब मोटो ब्लॉगिंग के लिए GoPro क्यों ज़रूरी है यार, जब 48 मेगापिक्सल का कैमरा मेरे पास है, तो मैं क्यों लेने जाऊँ 12 मेगापिक्सल का कैमरा। आप लोग भी सोच रहे होंगे, ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर कोई अदर्स कंपनी के मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें 50 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल आपको नॉर्मली 15,000-20,000 के मोबाइल में मिल जा रहा है, बट आईफोन 40,000-50,000-60,000 रुपया दे के भी आप लेते हैं ना, तो आपको कितना मिलता है, 12 मेगापिक्सल 14 मेगापिक्सल। आखिर रीज़न क्या है, ये एक्चुअल मेगापिक्सल है, बाकी कंपनियाँ तो बस नाम का ले रही है कि इतना मेगापिक्सल है। तो खैर, GoPro लेने का दूसरा रीज़न था, पहला तो कैमरा का क्वालिटी, दूसरा रीज़न था स्टेबलाइजेशन। मोबाइल में जब हम वीडियो शूट करते हैं, चूंकि हम मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, रास्ता में होता है क्या है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो इस तरह की रोड आपको मिलेगा। और गाड़ी है भाई, हम तो स्लो तरीके से नहीं चलाते हैं, गाड़ी कभी कभी 60, 70, 80, 100 भी पार कर देते हैं, जिनके पास सुपर बाइक है वो तो मैंने देखा है 150, 200 पे चले जाते हैं।
तो जब गाड़ी आपकी चलती है तो गड्ढे ऊंचे नीचे आते हैं तो गाड़ी हिलती रहती है, और गाड़ी हिलने की वजह से आपका अगर मोबाइल रहेगा ना, गाड़ी के साथ साथ आपका मोबाइल भी हिलेगा, और मोबाइल के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना वो भी पूरा हिलता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें जो है क्या है, जैसे अभी देखिए मैं कितने गड्ढे में उतरा, लेकिन कोई अभी कितना मैं ऊपर चढ़ा और मेरा पूरा हेलमेट हिल गया, तो जाहिर सी बात है कैमरा भी हिला होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है वीडियो नहीं हिला होगा। तो ये है स्टेबलाइजेशन GoPro की क्वालिटी, कि आप कई गाड़ी चाहे जितनी भी हिले, GoPro अपनी जगह पे वीडियो को अपनी जगह पे परफेक्ट रखता है। तो इसकी वजह से मैंने GoPro लिया। अब बात करते हैं GoPro के प्राइस की। तो जब मैं GoPro लेने का सोचा, यानी जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सोचा, तो मोटो ब्लॉगिंग सोचने के बाद लाइट जला लेते हैं यार थोड़ा, क्योंकि ब्लैक ग्लास है मेरे हेलमेट का, तो लाइट जलाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मतलब बढ़िया दिख रहा है। तो जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग का स्टार्ट करने का सोचा तो इतना आसान मुझे लगा कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर मैंने जब सेटअप जुगाड़ करना शुरू किया तब मुझे लगा नहीं यार, धीरे धीरे लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं कैमरा लेने से पहले 3 बार 4 बार सोचा। हीरो 9 जो है GoPro का, वो मुझे 43,000 पड़ा, वो भी एक बंडल था जिसमें एक रिमोट मिला है मुझे, और एक रिमोट, एक एक्स्ट्रा बैटरी, यानी 2 बैटरी मुझे मिला, और इसके साथ एक चीज़ और था, इसके साथ एक चीज़ और था रिमोट, हाँ नहीं नहीं शायद रिमोट, एक्स्ट्रा बैटरी, हाँ, और केस था, यानी GoPro को रखने के लिए एक केस बैग। तो ये सारी चीज़ मुझे मिले 43,000 में। अब ये तो ले लिया, इसके बाद आया प्रॉब्लम, जब GoPro ले लिया ना, फिर किसी यूट्यूबर ने बताया कि यार GoPro में डायरेक्ट माइक यूज़ नहीं होगा, और जब हम बाइक चलाएंगे तो मुझे तो माइक हेलमेट के अंदर चाहिए, नहीं तो हवा आएगी। अब क्या चाहिए भाई, तो इसके लिए चाहिए मीडिया मोड या फिर माइक अडेप्टर। अब फिर कन्फ्यूज़न, ये माइक अडेप्टर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डिस्प्ले में, ये माइक अडेप्टर का दाम मुझे पड़ गया 4,500 रुपये। अब ये हो गया, इसके बाद अब मुझे फिर एक माइक लेना है। तो माइक मैंने मोना का AU 400 लिया, जिसका दाम 400 के आसपास है, बट अभी भी मैं उसी माइक को यूज़ कर रहा हूँ 400 के आसपास का। बट अभी मैंने एक नया माइक लिया है, उस माइक के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि माइक काफ़ी कॉस्टली मैंने ले लिया है, तो इसलिए उसके लिए अलग से अनबॉक्सिंग करूँगा, साथ में उसका ट्रायल भी लूँगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो जब माइक भी ले लिया, अब पता चला कि यार हेलमेट पे जो लगाएंगे कॉस्टली कैमरा है, 40-45 हज़ार का कैमरा है, तो उसके लिए कवर चाहिए। फिर मैंने यूनानजी का एक कवर लिया इसके लिए। फिर उसके बाद जैसे मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगाते हैं ना डिस्प्ले पे, उसी तरह से इस पर भी 3 डिस्प्ले हैं, एक फ्रंट पे डिस्प्ले है, फ्रंट पे आपको कैमरा है, और सॉरी बैक साइड में कैमरा है, और उसके बाद फ्रंट पे एक बड़ा सा डिस्प्ले है। फिर तीनों चीज़ के लिए मैंने ग्लास मंगवाए। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ता चला गया। अब प्रॉब्लम आई कि GoPro का, अगर आप लोग लेते हैं तो GoPro के बारे में मैं पहले बता दूं आपको कि इसमें इसकी जो बैटरी होती है, ये बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं देता है। अगर आप वीडियो लगातार शूट कर रहे हैं या लगातार नहीं भी कर रहे हैं, तो मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा का आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो भी 4K या 5K में आप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उतना भी बैकअप नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से अब चाहिए था मुझे यार, मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो का मतलब मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे 5 मिनट का 6 मिनट का 10 मिनट का, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि सारा डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर एक अलग से लगभग मुझे 4,000 का पड़ा, और टेलीसिन का चार्जर, एक अलग से चार्जिंग बॉक्स आता है, वो चार्जिंग बॉक्स और 2 बैटरी और एक्स्ट्रा, यानी अब मेरे पास GoPro के 3 बैटरी है और एक चार्जिंग केस है, और उस चार्जिंग केस को आप पावर बैंक से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं बैग में रखा हुआ चार्ज हो रहा है। तो इतना कुछ सेटअप करना पड़ा, यानी मिला जुला के देखा जाए भाई तो 50,000 रुपया आपको कम से कम रख के चलना पड़ेगा, अगर आप ये कैमरा और कैमरा का पूरा सेटअप लेते हैं तो। तो ये था मेरे कैमरा और माइक का पूरा सेटअप, GoPro का पूरा सेटअप और GoPro के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा भी GoPro के कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप इसमें 4K 5K तक के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30 FPS से लेकर और शायद 120 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा है, मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ इस कैमरे से, और जितने भी प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर हैं वो सारे इसी का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो अलग है कि किसी के पास 10-11 हो, मेरे पास 9 है, बट यूज़ यही कर रहे हैं। कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर है। चलिए तो फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की अगर आपके पास क्वेश्चन होगी तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, और अगर रिप्लाई बड़ा होगा तो मैं उस पर एक वीडियो ही बना लूँगा और वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा। चलिए दोस्तों, तो बाय आज के लिए, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग।